नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को लग गया है बड़ा झटका। बिजली की दर में बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी दरअसल 24.10% की गई है, जिसके बाद बिहार के लोगों को बिजली विभाग की तरफ से ये बड़ा झटका लगा है। सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के आधार पर तय होगा प्रति यूनिट बिजली का दर। वहीं बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली दर के बढ़ोतरी की घोषणा की है। आपको हम बताते चलें कि बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को यह बड़ा झटका लगा है, जहां बिजली दरों में 24.10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 100 यूनिट तक बिजली यूज करने वाले कस्टमर को 147 रुपए से ज्यादा चुकाने होंगे। 100 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपयोग करने वाले को अब 1.67 रुपए प्रति यूनिट ज्यादा देने होंगे। अभी तक यह दर 6.95 रुपए प्रति यूनिट थी, जो बढ़कर अब 8.62 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। वहीं बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने गुरुवार को बिजली दर के बढ़ोतरी की घोषणा की थी। बिजली कंपनियों ने इसे 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। आयोग सुनवाई के बाद अब 24.1% की मंजूरी दे दी है। ये फैसला 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। बताया गया है कि अब सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के आधार पर प्रति यूनिट बिजली की दर तय की जाएगी। इससे पहले मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा और सदस्य एसएससी चौरसिया ने बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और बिहार ग्रिड कंपनी के प्रस्ताव का फैसला सुनाया था। आयोग ने पावर ट्रांसमिशन कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1176.62 करोड़ अनुमित सकल राजस्व की मंजूरी दी गई थी। वही हम आपको बताते चलें, जबकि मांग जो है वो 1516.73 करोड़ की थी। इस तरह स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को 12.01 करोड़ रुपए की अनुमति जो है वो मंजूर कर दी गई थी, जबकि मांग 12। वहीं बिहार ग्रिड कंपनियों को 219.38 करोड़ की अनुमति दी गई थी। वहीं हम आपको बताते चलें कि सकल राजस्व की मंजूरी के बाद जबकि मांग उनकी 403.20 करोड़ की थी। तो अब बिहार के लोगों को एक बड़ा झटका लगा है। जो बिहार सरकार की तरफ से ये झटका लगा है कि अब बिजली की जो दर है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, और ये दर बढ़ोतरी करके 24.10% की कर दी गई है। वहीं हम आपको बताते चलें कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, प्रस्ताव रखा गया था कि 40% की जो है बढ़ोतरी हो, तो 40% की बढ़ोतरी की जगह 24.10% की ये बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद बिहार के लोगों को बिजली विभाग की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ा आज झटका लग गया है। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर।